नमस्कार, आप सभी मित्रों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाई लोग, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। आज हम इतिहास के ऐसे कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, मैं आपको मीर जाफर के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने किस तरह से अपने जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके साथ किस तरह से धोखा किया, छल किया। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता था, अंग्रेज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कर्नाटक पर अपना प्रभुत्व समाप्त करने के बाद बंगाल में आता है। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच वो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जो है बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो दिल्ली पर जो है मुगल वंश की नींव पड़ी थी। शुरू शुरू में मुगल वंश पे कुछ ताकतवर राजा थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ये सब ताकतवर राजा थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के मरने के बाद जो मुगल साम्राज्य है उसका जो है पतन होने लगा, उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो राज्य थे वो उनसे अलग होकर के, स्वतंत्र होकर के अलग राज्य अपना कायम करने लगे, अपना अलग राज्य बनाने लगे। तो इसी क्रम में जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में आई और सबसे पहले उसने जो उस समय जो मुगल वंश का जो राजा था जिसका नाम फर्रुखसियर था, उस फरमान के अंतर्गत मुगल बादशाह को उसने 1200 रुपए दिए और 1200 रुपए के बदले उसको 3 राज्यों का जो है राजस्व प्राप्त हो गया, जिस राज्य के अंतर्गत आता था गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। इन तीनों राज्यों का जो राजस्व प्राप्त करने के बाद वो मतलब जो मुगल साम्राज्य वाला एरिया था उसमें व्यापार करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य वाले एरिया थे जिसमें एक बंगाल प्रांत आता था, बंगाल प्रांत से अलग होकर के सबसे मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया और बंगाल पे शासन करने लगा। मुर्शीद कुली खान अंग्रेज से अपने आप को अलग रखता था और वह बंगाल में अपना शासन कायम रखना चाहता था। चूंकि वह मुगल बादशाह को समय समय पर राजस्व भेज दिया करता था, लेकिन वह मुगल बादशाह से हटके अपना प्रांत का गठन किया था। मुर्शीद कुली खां के बाद जो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां, यानी मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना, और अलीवर्दी खां भी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से नफरत करना करता था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जो है बंगाल में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। तो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां का नाती था। सिराजुद्दौला भी बंगाल में अपना स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहता था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को खत्म करना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह मुगल बादशाह को 3000 रुपए का रकम दिया और उस 3000 रुपए के रकम के बदले वह पूरे मुगल साम्राज्य वाले एरिया में एकदम मुफ्त व्यापार कर सकता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था। तो इससे क्या हो रहा था, बंगाल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी वजह से जो सिराजुद्दौला है वो हमेशा से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रहता था। तो अंग्रेज को एक ऐसे व्यक्ति की या फिर ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो सिराजुद्दौला का विरोधी हो, इसलिए उसने एक एक करके सिराजुद्दौला के विरोधियों को ढूंढना स्टार्ट किया। उसी में एक सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था। मीर जाफर को उसने उसको प्रलोभन दिया कि आपको मैं बंगाल का जो है नवाब बना दूंगा, इसके बदले में आपको हमारी मदद करनी होगी। तो मीर जाफर ने घूस खा लिया और वह चूंकि सिराजुद्दौला का नवाब था, इसलिए अंग्रेज की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और इधर से सिराजुद्दौला, दोनों के बीच पलासी में युद्ध होता है। जून 1757 में पलासी की लड़ाई होती है, जिसमें सिराजुद्दौला के पास कुल 30,000 सैनिक होते हैं। 30,000 सैनिक होने के बाद भी वह रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध हार जाता है, क्योंकि उसका सेनापति मीर जाफर जो है वह सेना को युद्ध करने की आज्ञा नहीं देता है, यानी अपने राजा के साथ एक बहुत बड़ा छल कपट, भारत यानी बंगाल को बहुत बड़ा लॉस, उसको बहुत ज़्यादा लॉस, नुकसान भुगतना पड़ता है। और इसी से क्या होता है, यहीं से अंग्रेज राज्य जो है भारत में कायम होता है, यानी भारत को गुलाम बनाने का श्रेय जो है वह सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, एक राज्य के लोभ में आकर के पूरे देश को उसने गुलामी की जंजीर में बांध दिया। अगर वो मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा नहीं दिया होता तो हमारा भारत इतने वर्षों तक सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत जो है वो आज़ाद नहीं होती और हम भी किसी के गुलाम नहीं होते।
तो दोस्तों इस तरह से जो है मीर जाफर ने क्या किया, बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके साथ धोखा किया, और पलासी की लड़ाई के बाद जो है वो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया और भारत के अन्य राज्यों पर भी उनका हाथ पड़ने लगा। इस तरह से अंग्रेज का राज्य भारत में शुरू हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।